कन्नौज पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान घायल हुए आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आरोपी ने भोजापुर गांव में 30 नवंबर को एक मां बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी थी। अब पुलिस जल्द ही हत्या के कारणों का खुलासा करेगी। तालग्राम क्षेत्र में आज पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक तौर पे की गई जानकारी में यह बात सामने आई है कि कल थाना तालग्राम क्षेत्र में ही हुए एक दोहरे हत्याकांड में, जिसमें माँ और बेटी दोनों की हत्या कर दी गई थी, उस घटना का यह वांछित अपराधी है। इस अपराधी का आपराधिक इतिहास भी है, अन्य जानकारी की जा रही है, अग्रिम विधि कार्रवाई प्रचलित है। थाना तालग्राम क्षेत्र में आज पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक तौर पे की गई